अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी माशाल्लाह से देखिए, आज जो है 30 रोजे कंप्लीट हो गए हैं और अभी हम लोगों ने इफ्तार किया है और हम लोग आ गए हैं अब छत पे चांद देखने के लिए। तो ये छत पे ही नमाज पढ़ रहे थे और हम सब लोग यहाँ चांद देख रहे थे, तो माशाल्लाह से कुछ ही देर में चांद दिखने वाला है और हम सब लोग छत पे हैं अभी। मेरी तरफ से भी सबको अस्सलामुअलैकुम, सभी दोस्तों को चांद मुबारक हो, सभी बहनों को। तो मुझे अभी अभी जस्ट मैं नमाज पढ़ के उठा हूँ और नमाज छत पे ही मैंने आज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जस्ट मैंने अभी अपनी आंखों से खुद चांद का दीदार किया है। तो इसी के साथ आपको सभी को ईद की दिली मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि आप सभी की ईद जो है खुशगवार और बहुत अच्छे से मने। चांद दिख गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से भी सभी लोगों को ईद मुबारक हो जी। अब देखिए, अब हम कर ले रहे हैं अपनी ईद की तैयारी। तो मैं यहाँ पर भल्ले बना रही हूँ, तो भल्ले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी थी, मैं उसको पीसूंगी। और यहाँ पर ये मटर है, तो मैंने यहाँ पर सुबह में मटर के छोले बनाने और चने भिगोए थे मैंने, व्हाइट चना, उसकी मैं चाट बनाऊंगी। और बस यहाँ पर दाल मैं पीस रही हूँ, इसको दाल को पीस के मैं भल्ले जो है वो रात में ही सेक के रख लेती हूँ। तो जी यहाँ पर इसको अच्छे से हमें दाल को फेंटना है और फटाफट से ही मैं भल्ले सेक रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 11 और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ काम है मुझे। तो जी बस फटाफट सारे काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये पापड़ी भी मुझे अभी बनानी है, मैंने यहाँ पर मैदा लगा के रख दिया था सुबह के लिए। और बस अब देखिए हम आ गए मार्केट और अभी बज रहे हैं 1। तो जी बस काम से फारिग होके हम लोग बाजार आए थे क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी थी। तो बस यहाँ अपनी भीड़ भाड़ होती है ना कि 10-11-12 बजे तो आने का मतलब ही नहीं बनता है, तो हम लोग जो है थोड़ा लेट आए थे। मैंने कहा 1 बजे करीब जो है थोड़ी सी मार्केट हल्की हो जाती है, भीड़ भाड़ कम होती है। तो बस अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से कुछ टोपी वगैरह लेनी थी और कुछ खुशबू वगैरह, इत्र वगैरह लेने थे हम लोगों को। तो बस वो यही हम लोग ये देख रहे थे और उसके बाद हमने कुछ सामान लेके टोपी वगैरह लेने के बाद आ गए जी हम मेहंदी लगवाने। तो जी माशाल्लाह से देखिए हमारी ये मेहंदी मेरी लग चुकी है। मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने और बहुत अच्छा सा कलर भी आया था और आप लोगों को वीडियो में दिख भी रही होगी, इतना क्लियर डिज़ाइन है। और हमारे यहाँ जो है ना ईद पर चांद रात वाले दिन बहुत रश होता है मेहंदी वालों का, सब लोग बाहर से, ये लोग जो होते हैं ना बाहर से आते हैं मेहंदी लगाने और बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा माहौल होता है। और ये जो भैया मेरे मेहंदी लगा रहे हैं ना, ये राजस्थान से आए हुए थे, ये बता रहे थे। तो जी अब हो गई है सुबह, हम लोग मेहंदी लगवा के घर आ गए थे रात को 3 बजे और अब बस सुबह हो गई है। फजर के बाद हम लोग बस 1 घंटे सोए थे और फटाफट से अब मैं उठी हूँ फजर के बाद, नमाज पढ़ी और अब जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगी शीर खुरमा। तो बस यहाँ पर मैंने सेवइयों को भून लिया था और दूध बॉईल करने रख दिया था फटाफट से। सबसे पहले शीर खुरमा इसलिए बनाना है क्योंकि ये लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे ईद की, और ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मीठा खाना होता है। तो बस मीठे में मैंने फटाफट से ये शीर खुरमा बना दिया है, बाकी की चीज़ें मैं धीरे धीरे बनाती रहूँगी। यहाँ पर देखिए जो मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले से रोस्ट करके और ग्राइंड करके रखे थे ना, वो मैंने डाल दिए हैं। बहुत जल्दी काम हो जाता है, इतनी जल्दी मैंने ये शीर खुरमा बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती, फटाफट से बन गया था। और यहाँ पे देखिए मैंने ये ले लिया है मावा और बस इसको भी मैं इसमें कद्दूकस करके डाल दूंगी, इससे मावे से जो है ना बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है तो शीर खुरमे में। तो देखिए जी यहाँ पर मावा डाल दिया और देखिए मेरी मेहंदी माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया था। अभी सुबह सुबह का टाइम है लेकिन ये ना दोपहर में बहुत अच्छी हो गई थी, इसका कलर ना बहुत डार्क हो गया था। और बस हमारा शीर खुरमा बन गया है और इसमें मैं डाल दूंगी अब सफ़ेद इलायची का पाउडर। और ये बहुत टेस्टी बना था शीर खुरमा, बहुत मज़े का बना था और बहुत रिच बना था, इसके अंदर मैंने मावा वगैरह डाला था ना। तो माशाल्लाह से देखिए शीर खुरमा बन चुका है, बस अब ये लोग नमाज को जाएंगे। तो फिर अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक हो आप सभी लोगों को। अभी हम लोग ईद की नमाज पढ़ के सभी लोग आ गए हैं और ये हुमाम और ये अब्दुल मन्नान, ईद मुबारक आप सभी को, और ये दानियाल
दानियाल भी हमारे साथ नमाज पढ़ के आए, और ये अभी अब्दुल मन्नान से ईदी ले चुके हैं, और अब ये हुमाम से ईदी लेंगे। पेटीएम करेंगे, ईदी पे ईदी पेटीएम करोगे? ईद मुबारक के पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे लो। आओ ईद तो मिलो, पैसे लेकर रख लिए। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम, ईद मुबारक हो भाई, ईद मुबारक हो भाई, आओ भाई आओ, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। तो भाई ये है मेरा आज का ईद का मेनू। मैंने यहाँ पर शीर खुरमा बनाया था, और दही बल्ले बनाए थे, और भल्ला पापड़ी बनाई हुई थी, और क्या बनाया था मैंने, सफ़ेद चनों की मैंने चाट बनाई थी, ये मटर के छोले, बहुत सारे आइटम हो गए थे। तो बस ये है कि पूरा दिन किचन में ही लग जाता है, अब ये बनाना, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने तैयार कर ली थी, और माशाल्लाह से मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि नमाज के बाद फ़ौरन से ही ना मेहमान जो है वो शुरू हो जाते हैं आने के लिए। तो जी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है 9 बजे तक मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, खाने पकाने के जो भी चीज़ें होती हैं माशाल्लाह से सारी तैयारी मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी। और जी ये मेरे भाई हैं, ये लोग यहाँ पर अब ये घर पे आए थे। तो जी देखें आप जो है मैं फ्री होके अभी नहा के मैं आई हूँ, और माशाल्लाह से आप सभी लोगों को ईद मुबारक हो, ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी ईद कैसी जा रही है। तो जी मैंने अभी यहाँ पर ये अपना ग्रे वाला सिंपल वाला सूट पहना है, और ये देखिए मेरी मेहंदी, और कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। ईद मुबारक हो, हमारे घर के सबसे छोटे भाई, ये देखिए हमारे घर का सबसे छोटा ये सदस्य है, आप लोगों को ईद मुबारक कर रहा है, सबको सलाम कर रहा है, आप इसको सब दुआएं दें। छोटू सा ये है उमर, उमर उमर माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी जा रही है। और ये है मेरी देवरानी, उससे छोटी, हम लोग साथ में ही रहते हैं। और अब हो गया है लंच का टाइम, तो मैं खाने में यहाँ पर बनाऊंगी बिरयानी, क्योंकि सुबह से जो इतना काम हो गया है, थकान इतनी हो गई है, तो बस अब सिंपल यहाँ पर हम बिरयानी बनाएंगे, और उसके बाद शाम को देखते हैं फिर कहाँ निकलना होता है।
तो जी खाना मेरा बन चुका है और अब है हमारा लंच टाइम। तो खाने पे ये भाई भी आ चुका है और ये भाई को आपने मेरी और भी वीडियोस में देखा होगा। ये मेरा तीसरे नंबर का भाई है और इसके साथ ये आई है हमारी बेटी, इसका नाम है जेबा। और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी लग रही थी आज अपनी ईद की ड्रेस में, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो जी ये देखिए पूरा, मैंने कहा अपनी पूरी ड्रेस दिखाई है तो पूरी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी इसकी। और अब हो गया है खाने का टाइम, तो अब हम लोग जल्दी से खाना खाएंगे। तो माशाल्लाह से आज तो जी सब लोग आना जाना मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया है और अल्लाह का शुक्र है ये सब रौनकें जो हैं 2 साल बाद लौटी हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 साल बाद लग रहा है कि हाँ ईद है। और अब देखें जी, अब मैं आ गई नीचे, करीब 3 बज रहे हैं। ये है मेरी सासू माँ, तो मैं इनसे सलाम करने आई थी ईद का, और सुबह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था। अब मैं फ्री होके नीचे आई हूँ, थोड़ी देर में यहाँ बैठूंगी। और ये है मेरी देवरानी, ये हम लोग साथ में ही रहते हैं, ये नीचे रहती हैं, मैं ऊपर रहती हूँ। और बस अब हम यहाँ के थोड़ी देर बैठ गए अपनी सासू माँ के पास, और यहाँ पे ये बैठे हुए हमारे दानियाल साहब, और ये हमसे कह रहे हैं कि मम्मा देखिए हमने क्या क्या बनाया है। तो जी बस बहुत अच्छा सा लग रहा था, ईद वाले दिन सब लोग एक साथ थे। और आप लोग बताइए कि आपकी ईद इस बार कैसी जा रही है। तो माशाल्लाह से ईद इस बार बहुत अच्छी हो रही है, 2 साल बाद सब लोग जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो ईद पे सब सामान होता है, हमने सब शीर खुरमा बनाया था, दही भल्ले, दही बड़े, छोले, ये सब बनाया था, सारी चीजें बनाई थी। तो बस सब वही चल रहा है। और अब देखेंगे, अभी शाम का टाइम हो रहा है, अब हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने, अम्मी के घर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो प्लान करते हैं, उसके बाद हम आपसे बताएंगे कि हम कहाँ गए थे। तो जी ये देखें, ये हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है, इसका नाम है उमर अब्दुल्ला, ये मेरे देवर का बेटा है माशाल्लाह। और जी अब हो गई है शाम और अब हम तैयार हो रहे हैं, अब हम जाएंगे अपनी अम्मी के घर। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना जो रेड वाला सूट था वो पहनूंगी, मैं सोच रही हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, थोड़ा हैवी था, उसमें हल्का हल्का सितारे का वर्क हो रहा था। और अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि इसके साथ मैं क्या डालूं, क्योंकि ये है ना ऑल ओवर रेड सूट है और इसका जो दुपट्टा है ना वो फिरोजी कंट्रास्ट में था। तो यहाँ पर मैं वही सोच रही थी कि इसके साथ मैं चूड़ियाँ और इयर रिंग्स कौन सी पहनूं। तो मुझे जो है ना ये फिरोजी कलर की ही चूड़ियाँ और ये जो झुमकियाँ थी ये ज़्यादा इस पर बेस्ट लग रही थी, क्योंकि ऑल ओवर जो रेड कलर हो रहा था ना तो वो कुछ बहुत ज़्यादा एक सा लग रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चॉइस मैं इसके लिए झुमकियाँ जो हैं वो फिरोजी ही ली, और ये वाला जो चूड़ियाँ हैं मैंने ये पहनी थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था सूट, इसका जो कंट्रास्ट के साथ मैंने झुमकी और चूड़ियाँ कैरी की। तो जी बस यही मेरी ईद की व्लॉग है छोटा सा। अगर मेरा व्लॉग, ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जी बस अब हम होते हैं तैयार, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6 और अब मैं जाऊंगी अम्मी के घर, क्योंकि पूरा दिन हो गया आज और बस शाम को ही मैं ज़्यादातर अम्मी के घर जाती हूँ। तो जी हम यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ अब, और बच्चों को यहाँ पर अब मैंने दे दी ईदी, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर जो है, और अब जी देखें माशाल्लाह से ये दोनों को मैंने ईदी दे दी है, और अब हम जाएंगे अपनी अम्मी के घर।
तो जी ये था मेरा फुल गेटअप, मेरा सूट, आप बताइए कैसा लग रहा है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर और देखें ये सब मेरी भतीजियां हैं, ये मुझसे ईद मिल रही हैं, बहुत खुश हो गई देख के। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही, और बाकी का जो व्लॉग है ना अम्मी के घर का, वो असल में मैंने शूट किया था लेकिन वो किसी वजह से मेरी वीडियो जो है वो खराब हो गई तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।